हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लासेस में हमने एक ही मात्रा तक पढ़ लिया है। आज की हिंदी क्लास में हम छोटा उ और बड़ा उ दोनों मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें बोलना सीखेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटे उ की मात्रा कैसे लिखी जाती है पहले हम ये सीखेंगे। छोटे उ की मात्रा को इस प्रकार से लिखा जाता है, सर्कल बना के और ऐसे घुमा, सर्कल बनाएंगे और ऐसे घुमाओ। ये आपकी छोटे उ की मात्रा है, जिसको कैसे बोलते हैं, उ उ। छोटी मात्रा, कम आवाज, छोटी आवाज। अब इसके शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ध पे जब हम छोटे उ की मात्रा लगाते हैं तो उसे हम पढ़ेंगे धु धु। न व्यंजन इसके साथ जोड़ेंगे, धुन धुन। अब हम पढ़ेंगे दूसरा शब्द द। द पे जब हम छोटे की मात्रा लगाते हैं दु दु। क पे आ की मात्रा, का का। न दुकान दुकान। अगला शब्द है हमारा प। प व्यंजन लिखेंगे, श व्यंजन लिखेंगे और छोटे की मात्रा श पे लगाएंगे। तो शब्द क्या बना, प। श पे छोटे की मात्रा शु, पशु पशु। अगला शब्द है स व्यंजन। स व्यंजन पे जब हमने छोटे की मात्रा लगाई सु सु। ख सुख सुख। त पे छोटे की मात्रा तु तु। ल और स पे बड़ी की मात्रा तु ल सी तु ल सी तुलसी। स व्यंजन पे आ की मात्रा, ब व्यंजन पे छोटे उ की मात्रा बु बु बु। न साबुन साबुन साबुन। क व्यंजन पे छोटे उ की मात्रा कु कु। ल कुल कुल। च व्यंजन पे छोटे उ की मात्रा चु चु। प चुप चुप। तो हमने छोटे उ की मात्रा के शब्द पढ़े, धुन दुकान पशु सुख तुलसी साबुन कुल चुप। अब हम बड़े उ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। बड़े उ की मात्रा को इस प्रकार से लिखा जाता है, सर्कल बनाएंगे और इसको उल्टा ऐसे घुमाना है, तो ये बड़े उ की मात्रा बन जाएगी आपकी इस प्रकार से। अब हम इससे संबंधित शब्द सीखेंगे। नंबर वन फ। फ पे बड़े उ की मात्रा लगाएंगे, फू फू। ल व्यंजन जोड़ेंगे, फूल फूल। दूसरा शब्द है द। द व्यंजन पे
बड़े ओ की मात्रा दूध, दूध, दूध। नंबर थ्री, ध पे बड़े ओ की मात्रा धूप, 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 धूप। नंबर फोर, क पे आ की मात्रा और ज पे बड़े ओ की मात्रा, काजू, काजू। नंबर फाइव, स व्यंजन, म, म पे बड़े ओ की मात्रा, मू, ह, समूह, समूह। अगला शब्द है स पे बड़े ओ की मात्रा, सू, सू। र व्यंजन, ज व्यंजन, सूरज, सूरज। म पे बड़े ओ की मात्रा, मू, मू। ल पे बड़ी की मात्रा, ली, मूली, मूली। नंबर एट, क ब व्यंजन पे बड़े ओ की मात्रा, बू, बू। त, र, कबूतर, कबूतर। अब हम बेटा वर्कशीट की मदद से ये ऊ की और ऊ की मात्रा और अच्छे से समझेंगे। ये देखिए एक वर्कशीट है, इसमें आपको क्या दिया है, फर्स्ट चित्र पहचानो, यानी चित्र पहचान कर आपको उनके सामने उनके शब्द लिखने हैं कि ये कौन सा चित्र है। तो पहला चित्र देखिए क्या है, ये गुलाब का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग पे छोटे ओ की मात्रा, गु। ल पे आ की मात्रा, ला। ब, गुलाब। अगला हमारा क्या है, जूता, जूता। तो ज पे बड़े ऊ की मात्रा लिखेंगे, जू। त पे आ की मात्रा, ता, जूता। अगली पिक्चर देखिए, चूहा, चूहा। च पे बड़े ऊ की मात्रा, चू। ह पे आ की मात्रा, हा, चूहा। अगली पिक्चर है सूरज, स पे बड़े ऊ की मात्रा, सू, र, ज, सूरज, सूरज। अब हम इन शब्दों को जोड़कर देखेंगे कि कौन सा शब्द बन गया, इन व्यंजनों को, मात्राओं को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा, ये हम देखते हैं। छ, छ पे कौन सी मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा, तो झू। और ल पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, ला, झूला, झूला। अब यहां देखिए म पे छोटे ओ की मात्रा है, मु। क पे भी छोटे ओ की मात्रा है, कु। और इसके साथ ट व्यंजन जुड़ा हुआ है, मुकुट, मुकुट। फिर यहां देखिए ध, ध व्यंजन है, ध पे कोई मात्रा नहीं है, ध। न पे छोटे की मात्रा, नु, श, धनुष, धनुष। अब अगला देखिए शब्द, त, र पे आ की मात्रा, रा। ज पे बड़े की मात्रा, जू।
तराजू तराजू। फिर भ, भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू भालू। बेटा बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा दोनों का अभ्यास कीजिए, बोल बोलकर शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, मात्राओं को समझने की कोशिश कीजिए, उनको पढ़ने का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय किड्स।